जैसे हमारे पीएम सम्मान निधि की केवाईसी हो रही है, वैसे हमारे जो पेंशन वगैरह आती है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, तीनों पेंशन की भी यहाँ पर केवाईसी हो रही है। तो वैसे इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका था, उस वीडियो के नीचे विनय पांडे जी ने कमेंट किया था, सर थोड़ा सा उसमें गलती हो गई है और मुझे भी लगा था उसमें थोड़ा गलत हो गया है, क्योंकि आप जिनका नाम आधार वगैरह में मैच था उनका तो केवाईसी सक्सेसफुली हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जिनका नाम वगैरह मिसमैच हो रहा है तो उस केस में उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो वो मैंने उस वीडियो में कवर नहीं किया था। तो सबसे पहले मैं विनय पांडे को थैंक्स बोलता हूँ, उन्होंने ये कमेंट किया, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में हम तीन चीजों को कवर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको अपना पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं पता तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा। दूसरा, यहाँ पर अगर आपके आधार की डिटेल्स और जो आपकी पेंशन का फॉर्म भरा उस डिटेल्स में मिसमैच होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपकी सारे डिटेल्स सही होती है उस केस में आपको केवाईसी कैसे करनी। तो मेनली यही तीन चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेंशन केवाईसी करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये वेबसाइट को ओपन करना है, ssby-up.gov.in। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पर आपको दो तीन तरह के पेंशन के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। ऊपर आप देख सकते हैं वृद्धा पेंशन, निराश्रित यानी जो हमारी विधवा पेंशन होती है, तीसरा यहाँ पर दिव्यांग और कुष्ठा पेंशन जिसे हम विकलांग पेंशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं फर्स्ट कंडीशन बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आपकी 60 साल आती है या फिर विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन जो भी आती है उसे आप ऊपर से सिलेक्ट कर लेंगे। हमें मान लीजिए यहाँ पर 60 साल का करना है तो 60 साल के लिए हम यहाँ पर वृद्धा पेंशन पर क्लिक कर लेंगे। वृद्धा पेंशन पर क्लिक करने के बाद आप इनसे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर आपको पेंशनर की सूची देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप लेटेस्ट सूची में नाम चेक कीजिए, तो लेटेस्ट सूची देखने के लिए हम यहाँ पर पेंशनर सूची 2021-22 पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सारे डिस्ट्रिक्ट ओपन होकर आ जाएंगे। तो आप कंट्रोल एफ का यूज करते हुए यहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सर्च करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आप ग्रामीण इलाके में आते तो अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, शहरी क्षेत्र में आते तो अपनी नगर पालिका, नगर पंचायत जो भी लगती है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा ग्रामीण का, तो हम यहाँ पर अपना कंट्रोल एफ का यूज करके ब्लॉक सर्च करेंगे एंड यहाँ पर ब्लॉक पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपके ब्लॉक में जितने भी गांव होते हैं वो गांव ओपन होकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगेन आपको कंट्रोल एफ का यूज करना है एंड यहाँ पर आपको अपना गांव का नाम सर्च कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो आपका गांव का नाम है उसे अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर जितने भी पेंशनर होंगे उनकी सूची यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, तो लेटेस्ट सूची देखने के लिए हमें लास्ट वाले क्वार्टर पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जितने भी पेंशनर होंगे उनकी सारी सूची ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप दो तरीके से सर्च कर सकते हैं, या तो आप कंट्रोल एफ करके डायरेक्टली नाम सर्च कर लीजिए जिसका भी आपको सर्च करना है, या फिर आप अकाउंट के लास्ट चार डिजिट सर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके अकाउंट के लास्ट चार डिजिट भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अकाउंट नंबर से भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर नाम से सर्च करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका हमने नाम सर्च किया वो यहाँ पर आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो 31-24 से स्टार्टिंग में जो है ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को या तो आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसे यहाँ से कंट्रोल सी करके इसे कॉपी कर लीजिए। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पर सॉल्व होती है, हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। तो मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको आना है, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्लोट होता हुआ एक टेक्स्ट दिखाई देगा, पुराने आवेदक पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हुए स्वयं अपने आधार को ऑनलाइन सत्यापित करें। तो इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे देन उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको पेंशन स्कीम सिलेक्ट करनी है, तो जो भी आपकी पेंशन स्कीम होती है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर टाइप करना है, तो पेंशनर का यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी हमने वहाँ से लिया था लिस्ट में से सेम नंबर को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, टाइप कर देंगे, या फिर जो उसके बाद यहाँ पर न्यू मोबाइल नंबर आपको डालना, जो भी नंबर आप अपडेट करना चाहते हैं या फिर नया नंबर लिंक करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंड ओटीपी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपका एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। वो ओटीपी सिंपली यहाँ पर आपको दर्ज करना है, कैप्चा को फिल करना है एंड आपको सबमिट पर क्लिक करना है। क्योंकि मेरा यहाँ पर इस पेंशन में पहले से ही मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो मैं यहाँ पर दोबारा रजिस्टर नहीं करूँगा, तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। मोबाइल नंबर रजिस्टर होने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक आवेदक लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आवेदक लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। आवेदक लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पर आपको अपनी पेंशन स्कीम सिलेक्ट करनी, तो जो भी होगा वो पेंशन स्कीम को सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किया था सेम रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है वो मोबाइल नंबर फिल करेंगे एंड यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर 6 अंक का जो ओटीपी होगा वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना है एंड यहाँ आपको कैप्चा को फिल करना है एंड यहाँ लॉग इन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जब आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 स्टेप दिखाई देंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, सेकंड स्टेप में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक करते हैं, जो कि दोनों स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड स्टेप जो होता है आधार वेरिफिकेशन का, वो हमारा पेंडिंग है क्योंकि ये ओल्ड एज जो पेंशन है वो थोड़ी पुरानी है, तो उस टाइम पर आधार वेरिफिकेशन नहीं होता था, लेकिन आज सबका आधार वेरिफिकेशन होना कंपलसरी हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपकी सारी डिटेल सही होती है यहाँ पर आपको नाम देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो पेंशनर है या फिर आप लिस्ट में भी नाम चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको नाम चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो आधार वेरिफिकेशन होता है उसमें मेनली 2 चीज़ें चेक की जाती हैं, एक तो आपके नाम की स्पेलिंग ठीक हो, दूसरा यहाँ पर आपका जेंडर ठीक हो आधार के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका नाम और जेंडर दोनों ठीक होते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पर स्टेप 3 पर क्लिक करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके नाम में थोड़ी मिसमैच होती है, कोई स्पेलिंग वगैरह मिसमैच होती है या फिर आपका जेंडर गलत होता है, तो नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर, यदि आधार ऑथेंटिकेट में नाम या जेंडर में संशोधन करना चाहते हैं तो जनपद दिए DSWO अधिकारी को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये एक एप्लीकेंट है ऋषिपाल सिंह, लेकिन इनके जो आधार में नाम है केवल ऋषिपाल है और ऋषिपाल में भी RISI है केवल, लेकिन इसमें RISHI तो इस तरह से नाम दिया हुआ। तो हमें यहाँ पर करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इनका नाम आधार के अकॉर्डिंग करेक्ट करते हैं। तो अभी जो हमारा आधार के अकॉर्डिंग नाम करेक्ट हो चुका है, आधार के अकॉर्डिंग हम जेंडर को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ आपको सबमिट रिक्वेस्ट चेंज पर क्लिक कर देना है। सबमिट रिक्वेस्ट चेंज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे देन उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं योर आधार चेंज डिटेल्स रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली एंड फॉरवर्ड टू डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल। तो यहां पर जो आपकी चेंज की रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल के लिए भेज दी गई है। यहां पर आपको 20 to 40 hours वेट करना है, देन उसके बाद यहां पर जो आपकी रिक्वेस्ट है वो अप्रूवल कर दी जाएगी। अगर अभी यहाँ पर आप आधार वेरिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, चलिए मैं यहाँ पर स्टेप 3 पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और आधार नेम जेंडर चेंज रिक्वेस्ट पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट प्लीज वेट। तो यहाँ पर अभी हमारा जो आधार है वो वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो हमें यहाँ पर 24 से 48 घंटे का वेट करना है। तो इनका मैंने 1-2 दिन पहले ही अप्रूवल के लिए भेजा था, तो इनका अप्रूवल हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है और आधार नेम जेंडर रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड बाई डिस्ट्रिक्ट, प्रोसीड टू आधार ऑथेंटिकेट अगेन। तो यहाँ पर जो हमने जेंडर और नाम चेंज करने की रिक्वेस्ट भेजी थी वो हमारी अप्रूवल हो चुकी है। अब हम डायरेक्टली स्टेप 3 पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही स्टेप 3 पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आधार पे अंकित नाम है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हमें यहाँ पर सिंपली अपना आधार नंबर फिल करना है, जेंडर भी हमारा आधार के अकॉर्डिंग पहले ही आ गया है एंड यहाँ पर हमें टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड कैप्चा को फिल करना है। और फ्रेंड्स सबमिट करने से पहले एक बात बता दूँ, यहाँ पर आपको 3 चांस ही मिलेंगे, तो यहाँ पर आप सारे डिटेल्स को बहुत ध्यान से चेक करने के बाद ही सबमिट करें। तो सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना है। आधार ऑथेंटिकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे कंफर्मेशन पूछी जाएगी, आर यू श्योर, तो आप इसे ओके कर देंगे। देन उसके बाद दिस एक्शन मे बी सर्वल मिनट प्लीज पेशेंट, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है एंड आपको यहाँ पर 1 से 2 मिनट का वेट करना है। वेट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन सक्सीड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर जो हमारा आधार का ऑथेंटिकेट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप खुद से अपना कर रहे हैं तो आप इसे आपका जो अप्रूवल है वो सक्सेसफुली हो चुका है, आपके 3 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप किसी कस्टमर वगैरह का करते हैं, अगर आपका इंटरनेट कैफे वगैरह होता है, तो आप इसका प्रिंट निकाल कर उन्हें दे सकते हैं जिसमें आपका आधार ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली का मैसेज शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी प्रोसेस, आई होप आपको वीडियो में बताई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पर 3 चीजों को कवर किया। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपनी पेंशन सूची देखनी है जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लेना है। मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर अगर आपकी डिटेल सही होती तो डायरेक्टली आप 3rd नंबर पर जाकर अपनी जो आधार ऑथेंटिकेटर है वो सक्सेसफुली कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ डिटेल मिसमैच होती है तो यहाँ पर आप अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। अप्रूवल होने के बाद यहाँ पर आप अपनी जो KYC है वो सक्सेसफुल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। मिलते